It's your boy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pull up on you like a Gen Z. Deta asrat manfi. Tujhme dar hai, I can sense it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं जनाब मेरे तमाम YouTube फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सबसे ये दूध दही के साथ एक और नया मुन्ना, सबसे ये दूध दही के साथ एक और नया व्लॉग। सदके जाऊँ मैं, बारी चली जाऊँ मेरे बेटे के, आज तो कॉपीज खोल के बैठा है। अल्लाह, मर ना जाऊँ कहीं मैं, नजर ना लग जाए, लगा लूँ काला टिक्का, हाय मैं मर जाऊँ मेरे बेटे पे। एक तो बेटा और वो इतना खूबसूरत। आप माइक लेके क्या पढ़ रही हैं? आपका बेटा कयामत। खुदा रहा, मुझे दिखना बंद हो चुका है। अगर मेरे व्लॉग में कुछ गड़बड़ हो तो समझ लेना माई अंधी है। माई अंधी है, नेक माई। सर्दी जा चुकी है लेकिन मेरे शॉल कहीं जाकर नहीं दे रहे। मैं अपने शॉल नहीं छोड़ूंगी, सर्दी भले कितनी भी रहे, शॉल मैंने नहीं छोड़ने। और जो बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं फेस रिव्यू करें, तो बेटा मेरे व्लॉग चलने दो। मुँह देखो गया तो व्लॉग भी नहीं चलेंगे। समझ गए आप, मुझे भी व्लॉग चलाने हैं अपने, शक्ल दिखा के पावे बगाने नहीं है। सब्सक्राइबर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो मेरे व्लॉग स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़रूरत है। चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अच्छा जी, इस वक्त बज रहे हैं, इस वक्त तुम्हारे तरफ से तो अल्लाह हाफिज़ ही है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 9। भाई अपना अब आया क्यों नहीं उठाया है यहाँ से? अब आया क्यों नहीं उठाया अपना? अब आया, उठाओ अपना यहाँ से। लाइट गई हुई है और मैं जा रही हूँ नोतियाँ पाने। मैं जा रही हूँ नोतियाँ पाने और सजबील के बाबा कल रात को ये लड्डू का शॉपर लेकर आए थे। पता नहीं किसका मंगना हुआ है, ये मंगनी थी किसकी, किसने आखिर अपने हाथों से अपनी फोड़ी तोड़ी है? मेरी मंगनी होगी। तेरी मंगनी, रिश्ता सेंड प्लीज। मेरे बेटे को तो सुनो तो सही कोई। अल्लाह अल्लाह ताला मेरे बच्चों को बड़ा करते हैं। जल्दी से एक्स्ट्रा लाइटें घर में नहीं जलनी चाहिए, एक्स्ट्रा लाइटें घर में नहीं जलनी चाहिए। मुझे लाइट के खुलने से बड़ा ख्वाब आता है। सजबील, आपने चाय के बर्तन नहीं धोए थे ना? नहीं आपने बनाई, मैंने ये पूछा नहीं कि आपने बनाई थी क्या। बर्तन दो चाय क्या क्या चलें जनाब। और अब जाकर मैं रोटियां बनाऊंगी। ये स्लिप के ऊपर कपड़ा हस्बे तवक्को हस्बे मामूल मेरे लगा हुआ होता है ताकि कोई मक्खी यहाँ ना बैठे, क्योंकि मैं इस स्लिप के ऊपर रोटियां बेलती हूँ। और कुछ बनाने का मूड था लेकिन रखा हुआ है सालन, तो इसलिए कुछ नहीं बनेगा, इसी को खाओ ख़त्म करो। और यहाँ पर दूध गर्म हो चुका है। चलें भैया, दूध गर्म हो गया है। और यहाँ पर डेढ़ रोटी रखी है, पावे चार रोटी और पकानी है। नहीं पांच। चार पांच। अच्छा पांच बन जाएंगी, पावे पांच रोटियाँ और पकानी है। तो फिर मैं बाहर की चीज़ें आप लोगों को अलाउ नहीं करती बेटा, हमारे यहाँ शादी है और हर वक्त ये गाना चलता रहता है, मेरी क्यूट जाना रिबो में आना, एक दिन ज़रूर आना, एक दिन ज़रूर आना, मेरी क्यूट जाना। मतलब आजकल के सिंगरों को आग लगी पड़ी है। आग, मैं हूँ दीवानी, छत है पिया तू, मैं हूँ दीवानी, छत है पिया तू। मतलब अगर पिया छत है तो ठेकेदार कौन था, मिस्त्री कौन था, मजदूर कौन था जिसने इस छत और पिया को बनाया है? जाहिल लोग। गाना बनाने से पहले सोचते भी नहीं हम क्या गाना बना रहे हैं। पहले के गाने होते थे खूबसूरत। क्या है जाना किधर है, जरीबों में आएगी। जानू मैं जाना रीवो में बिठाऊंगा।
मैं ये वाला गाना उस वक्त गाती हूँ जब मैं रक्षे में बैठी हुई होती हूँ। मैं रक्षे में बैठती हूँ तो मैं रिवो वाला गाना गाती हूँ। गैस तो चेक कर लूँ, खवातीन हजरात आ रहा भी है कि नहीं। ओ वाओ, गैस आ रहा है, यानी कि रोटियां बनाई जा सकती हैं। हम गैस का इस्तेमाल भी इतना कम करते हैं कि जिनसे हमने गैस लिया है, इस वादे के साथ लिया है कि हम गैस बहुत देखभाल कर इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब, मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया। मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, सजगिल के बाबा पहुँचने वाले हैं। बस मैं रोटियाँ बनाकर फटाफट इशा पढ़कर सोऊंगी, लेकिन व्लॉग का एंड करके सोऊंगी। मैं एक दिन का व्लॉग दूसरे दिन पर डाल देती हूँ, ये गलत बात है। क्या कहा था कल रात को मैंने, मैं एक दिन का व्लॉग दूसरे दिन पर डाल देती हूँ, ये गलत बात है। और फिर ऐसा ही होता है, जब मुझे सोने की लगती है ना, सूझती है कि मैंने सोना है, तो फिर मैं सब भूल भाल के छोड़ छाड़ के सब कुछ फ़ौरन से नींद लेती हूँ। ये हाल है मेरा। कल रात को मैंने अपना व्लॉग 9 बजे स्टार्ट किया और सुबह 9 बजे इंशाल्लाह इसका एंड करेंगे। ये है व्लॉग जनाब, देखें आप। मतलब कुछ प्लानिंग के मुताबिक होता नहीं है, ये तो सिर्फ बातें ही हैं। वैसे प्लानिंग के मुताबिक कुछ नहीं होता। ग़ुलाम मोहम्मद आज स्कूल नहीं गए क्योंकि रात को देर तक ही अपना काम करते रहे और फिर इनको अपनी कॉपी डन करनी थी, तो आज की इन्होंने छुट्टी की। आज इन्होंने कॉपी डन करनी है अपनी। ग़ुलाम मोहम्मद नाश्ता कर लो, नाश्ता करो। अब इनके पैर पे पट्टी बांधनी है। उठो पहले, नाश्ता लो, मैं लाइट ऑन करूं। कोई सुन भी रहा है कि मैं नाश्ता लेके खड़ी हूँ? इतनी खुदारा माजूरी अच्छी कोनी हो, और तू कीपा इतना चला गया, आलसी कीपा। कीपा अपना बापा गया और कीपा जावेगा। टेबल पे रखो, ये गिर जावा खाली, फिर तेरी कमर तोड़ू मैं। आलसी कहीं का। हाँ, अभी क्या रह गया बाकी? पहनो पहनो पहनो। अब नाश्ता करें आप अपना, और नाश्ता करके जो काम आपका रह गया ना, जो कॉपीज़ आपने टेबल पर रखी हुई हैं, ये पूरी डन कर लेना ना। नज़र ही नहीं आता मुझे तो, मोबाइल किधर, कैमरा किधर जा रहा है, अल्लाह जाने क्या मेरी आंखों में आगे बस गया चक्कर, हर वक्त आते रहते हैं। नाश्ता करो बैठ के। आज क्या जुम्मा है? क्या आज जुम्मा है? आज जुम्मा है ना, तो फिर मेरी बेटी जल्दी आएगी, खाना बनाऊँ फिर जल्दी टाइम से। ख़वातीन हज़रात, आज जुम्मा है और सशबील आज जल्दी आएंगी स्कूल से, तो खाना बना के चावल बना लें, हरी मिर्चों का रायता और चावल बना लेते हैं। तो नाश्ता कर लें आप। कल मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया, आज अब मैं इसका एंड कर रही हूँ व्लॉग का। सशबील स्कूल जा चुकी हैं, ग़ुलाम मोहम्मद मैंने जो कि बताया है कि स्कूल नहीं गए, अब जाएंगे, कल जाएंगे, कल तो नहीं परसों, परसों भी संडे, सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे को ही जाएंगे। मंडे को ही जाएंगे ग़ुलाम मोहम्मद स्कूल। तो आज जुम्मा है, अब जुम्मे की तैयारी करनी है, जो खाने पीने का सिलसिला है पहले वो फटाफट एक तरफ करूं, और उसके बाद दुरूद शरीफ की तैयारी करूं, क्योंकि जुम्मे के दिन ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ़ पढ़ी जाती है, और मैं बहुत इस दिन को लेकर खुश होती हूँ कि इस दिन दुरूद शरीफ़ पढ़ी जाती है। प्लीज़ कोई ऐसा बंदा जो हमारे घर जुम्मे के दिन आए या किसी के घर जुम्मे के दिन जाए, तो थोड़ा सा सोच समझ रखा करें। जुम्मे के दिन बहुत काम बढ़ा हुआ होता है, इंसान अपने घर को देख रहा होता है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा होता है, तो जुम्मे के दिन कोशिश किया करें कि किसी के घर बिला वजह ना जाया जाए। जुम्मे का दिन ऐसा दिन होता है जिसमें बहुत मसरूफियत होती है, और जब कोई हमारे यहाँ आकर बैठ जाए ऐसे गपशप की नियत से, तो यकीन मानिए बहुत मसले होते हैं, टेंशन होती है कि जब ये उठ के जाएँ तो फिर हम अपना पढ़ना शुरू करें। तो जुम्मे का दिन ख़ास दिन होता है,
मुसलमानों के लिए इस दिन इबादत किया करें, और बिला ज़रूरत, अगर ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत अपने घर से किसी के घर मत जाया करें। ये रूम तो मेरा साफ ही रहता है, बस पढ़ने के टाइम पे इस्तेमाल होता है, नमाज़ वगैरह या जो भी। अच्छा, तो ये थी मेरी आज के दिन की हिदायत कि प्लीज़ खुदा रहा जुम्मे के दिन अपने घर से किसी के घर मत जाया करें। जुम्मे के दिन मसरूफियत का दिन होता है, हम किसी के घर जाके उसकी मसरूफियत में दखल अंदाजी देते हैं, किसी के पास बैठ जाते हैं, बातों में लग जाते हैं, अगले को कुछ पढ़ना हो, पढ़ाई वढ़ाई करनी हो जुम्मे के दिन, तो डिस्टर्बन होता है। तो इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें, मेरा चैनल जैसे ही ऑन करें, मेरे व्लॉग जैसे ही आप देखना शुरू करें तो इसे फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़रूरत है। पहले मैं व्लॉग एवें ही बनाती थी, अब व्लॉग मेरी ज़िद बन गया है, क्योंकि बहुत सारे चेहरे इस व्लॉग के ज़रिए मुझ पर वाजे हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की हकीकत इस व्लॉग के ज़रिए मुझ पर वाजे हो गई है। तो अब जो मैं व्लॉग बनाती हूँ ये मैं ज़िद करके बनाती हूँ, मुझे ज़िद हो गई है कि अब मैंने व्लॉग बनाने हैं। तो जैसे ही मेरा चैनल ऑन करें, जैसे ही व्लॉग स्टार्ट करें, फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करें। कोई चीज़ अगर मेरे व्लॉग में आपको पसंद नहीं आ रही है तो मुझे बताएं, मैं उसको दुरुस्त कर लूँगी, लेकिन सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर ज़रूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब आपकी मर्ज़ी, लेकिन दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। क्या कहा था कल रात को मैंने, मैं एक दिन का व्लॉग दूसरे दिन पर डाल देती हूँ, ये गलत बात है, और फिर ऐसा ही होता है। जब मुझे सोने की लगती है ना, सूझती है कि मैंने सोना है, तो फिर मैं सब भूल भाल के, छोड़ छाड़ के सब कुछ फ़ौरन से नींद लेती हूँ। ये हाल है मेरा। कल रात को मैंने अपना व्लॉग 9 बजे स्टार्ट किया और सुबह 9 बजे इंशाल्लाह इसका एंड करेंगे। ये है व्लॉग जनाब, देखें आप, मतलब कुछ प्लानिंग के मुताबिक होता नहीं है, ये तो सिर्फ बातें ही हैं, वैसे प्लानिंग के मुताबिक कुछ नहीं होता। ग़ुलाम मोहम्मद आज स्कूल नहीं गए क्योंकि रात को देर तक ही अपना काम करते रहे, और फिर इनको अपनी कॉपी डन करनी थी, तो आज की इन्होंने छुट्टी की, आज इन्होंने कॉपी डन करनी है अपनी। ग़ुलाम मोहम्मद नाश्ता कर लो, नाश्ता करो, अब इनके पैर पे पट्टी बांधनी है, उठो पहले नाश्ता लो, मैं लाइट ऑन करूं, कोई सुन भी ना है कि मैं नाश्ता लेके खड़ी हूँ। इतनी खुदारा माजूरी अच्छी को नहीं हो, और तू कीपा इतना चला गया, आलसी कीपा अपना बापा गया, और कीपा जावेगा टेबल पे रखो, ये गिर जावा खाली, फिर तेरी कमर तोड़ू मैं। आलसी कहीं का। हाँ अभी क्या रह गया बाकी, पहनो। अब नाश्ता करें आप अपना, और नाश्ता करके जो काम आपका रह गया ना, जो कॉपीज़ आपने टेबल पर रखी हुई हैं, ये पूरी डन कर लेना, ना नज़र ही नहीं आता मुझे, तो मोबाइल किधर, कैमरा किधर जा रहा है, अल्लाह जाने क्या मेरी आंखों में आगे बस गया चक्कर, हर वक्त आते रहते हैं। नाश्ता करो बैठ के, आज क्या जुम्मा है, क्या आज जुम्मा है, आज जुम्मा है ना, और मेरी बेटी जल्दी आएगी, खाना बनाऊँ फिर जल्दी टाइम से। ख़वातीन हज़रात आज जुम्मा है, और सशबील आज जल्दी आएंगी स्कूल से, तो खाना बना के चावल बना लें, हरी मिर्चों का रायता और चावल बना लेते हैं, तो नाश्ता कर लें आप। कल मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया, आज अब मैं इसका एंड कर रही हूँ व्लॉग का। सशबील स्कूल जा चुकी हैं, ग़ुलाम मोहम्मद मैंने जो कि बताया है कि स्कूल नहीं गए, अब जाएँगे कल, जाएंगे कल तो नहीं, परसों भी संडे, सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे को ही जाएंगे। अब ग़ुलाम मोहम्मद स्कूल, तो आज जुम्मा है, अब जुम्मे की तैयारी करनी है, जो खाने पीने का सिलसिला है पहले वो फटाफट एक तरफ करूं,
और उसके बाद दुरूद शरीफ की तैयारी करूं, क्योंकि जुम्मे के दिन ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है और मैं बहुत इस दिन को लेकर खुश होती हूं कि इस दिन दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है। प्लीज़ कोई ऐसा बंदा जो हमारे घर जुम्मे के दिन आए या किसी के घर जुम्मे के दिन जाए तो थोड़ा सा सोच समझ रखा करें। जुम्मे के दिन बहुत काम बढ़ा हुआ होता है, इंसान अपने घर को देख रहा होता है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा होता है, तो जुम्मे के दिन कोशिश किया करें कि किसी के घर बिला वजह ना जाया जाए। जुम्मे का दिन ऐसा दिन होता है जिसमें बहुत मसरूफियत होती है, और जब कोई हमारे यहाँ आकर बैठ जाए ऐसे गपशप की नियत से, तो यकीन मानिए बहुत मसले होते हैं, टेंशन होती है कि जब ये उठ के जाएँ तो फिर हम अपना पढ़ना शुरू करें। तो जुम्मे का दिन ख़ास दिन होता है मुसलमानों के लिए, इस दिन इबादत किया करें, और बिला ज़रूरत, अगर ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत अपने घर से किसी के घर मत जाया करें। ये रूम तो मेरा साफ़ ही रहता है, बस पढ़ने के टाइम पे इस्तेमाल होता है, नमाज़ वगैरह या जो भी। अच्छा, तो ये थी मेरी आज के दिन की हिदायत कि प्लीज़ खुदारा जुम्मे के दिन अपने घर से किसी के घर मत जाया करें। जुम्मे के दिन मसरूफियत का दिन होता है, हम किसी के घर जाके उसकी मसरूफियत में दखल अंदाजी देते हैं, किसी के पास बैठ जाते हैं, बातों में लग जाते हैं, अगले को कुछ पढ़ना हो, पढ़ाई वढ़ाई करनी हो जुम्मे के दिन, तो डिस्टर्बन होता है। तो इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें, मेरा चैनल जैसे ही ऑन करें, मेरे व्लॉग जैसे ही आप देखना शुरू करें तो इसे फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़रूरत है। पहले मैं व्लॉग एवें ही बनाती थी, अब व्लॉग मेरी ज़िद बन गया है, क्योंकि बहुत सारे चेहरे इस व्लॉग के ज़रिए मुझ पर वाजे हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की हकीकत इस व्लॉग के ज़रिए मुझ पर वाजे हो गई है। तो अब जो मैं व्लॉग बनाती हूँ ये मैं ज़िद करके बनाती हूँ, मुझे ज़िद हो गई है कि अब मैंने व्लॉग बनाने हैं। तो जैसे ही मेरा चैनल ऑन करें, जैसे ही व्लॉग स्टार्ट करें, फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करें। कोई चीज़ अगर मेरे व्लॉग में आपको पसंद नहीं आ रही है तो मुझे बताएं, मैं उसको दुरुस्त कर लूँगी, लेकिन सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर ज़रूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब आपकी मर्ज़ी, लेकिन दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।